हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पी के शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी आवर यूट्यूब चैनल आयांश लर्नर एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों को एक सूचना बताई थी वीडियो के माध्यम से। उसमें यह बताया गया था कि डीजीटी ने आप लोगों के सीबीटी एग्जाम के लिए, मतलब जो आईटीआई की जो सीबीटी परीक्षा होने वाली है जुलाई 2020 में, उसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया था, जिसमें टेंडर के लिए नोटिस जारी की गई थी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा और जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा उसको अरेंज करने के लिए जो भी अरेंजमेंट होगा उसी के रिगार्डिंग डीजीटी ने नोटिस जारी की थी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ऐसी ही सूचना चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो है मैं आप लोगों को आईटीआई के रिगार्डिंग जो भी सूचनाएं होती हैं इस चैनल पे देता हूँ। मेरे चैनल पे फ्रेंड्स देखिए, मैकेनिकल ट्रेड की क्लासेस भी चलती हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस भी चलती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं शुरू करता हूँ, नोटिस के बारे में बताता हूँ कि डीजीईटी ने क्या नोटिस जारी किया है। फ्रेंड्स, डीजीईटी ने आज ही एक नोटिस जारी किया है शाम को कि आपका जो टेंडर था, मैं नोटिस पे लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, जो टेंडर था फ्रेंड्स, द टेंडर रेफरेंस नंबर इतना टेंडर आईडी है फॉर सेलेक्शन एंड अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सर्विस प्रोवाइडर इंड टू इंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट इनरोल अंडर क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम इज हियर बाय कैंसल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन रीजन। मतलब कि जो टेंडर था फ्रेंड्स, जो टेंडर आमंत्रित किया गया था उसे निरस्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अब टेंडर क्यों निरस्त किया गया है आप जानते ही हैं, कोविड-19 के कारण ही हुआ होगा या फिर कोई और कारण होगा हुआ होगा, उसको कोई मेंशन नहीं किया गया है फ्रेंड्स, क्यों आपका जो है यह टेंडर क्यों निरस्त कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टेंडर के निरस्त होने से, कैंसिल होने से हमें क्या होगा या फिर हमें क्या फ़ायदा है, नुकसान है? तो फ्रेंड्स, टेंडर निरस्त होने का मतलब आपका एग्जाम जो होगा डिले होगा, डिले होगा, एग्जाम में देर होगी। फ्रेंड जाहिर सी बात है, जब टेंडर नहीं रहेगा आपका जो एग्जामिनेशन का अरेंजमेंट हो नहीं पाएगा तो आपका सीबीटी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर देर में होगी, हो सकता है आपका सीबीटी ना हो, ओएमआर पे ही एग्जाम हो जाए, लेकिन जहां तक उम्मीद है फ्रेंड्स सीबीटी एग्जाम ही होगा और उसमें देरी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि आपका जो है जो टेंडर पास किया गया था, टेंडर के रिगार्डिंग जो नोटिस जारी की गई थी, वो नोटिस एक और नोटिस जारी करके डीजीटी के द्वारा उस टेंडर को क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया, यही है नोटिस है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मुझे यही बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होती तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।